नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकित और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मेहर संविधान हमारा स्वाभिमान समिति अमर पाटन द्वारा राजा मैरिज गार्डन में संविधान दिवस का आयोजन किया गया। शहर में भव्य धम्म यात्रा निकालकर नगर परिषद तेराहा स्थित बाबा साहब की प्रतिमा में माल्यार्पण के पश्चात शोभा यात्रा कार्यक्रम स्थल पर पहुंची, जहां पर सभी वक्ताओं ने संविधान व बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डाला। हाल ही में सिविल जज परीक्षा में चयनित हुए शिवकांत कुशवाहा को समिति की तरफ से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त नशा मुक्ति महिला सम्मान व स्वच्छता पर दिया गया जोर। समिति के अध्यक्ष रमेश भारती ने बताया कि हमारा कार्यक्रम आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य संविधान व इसमें दिए गए अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूकता लाना है। हमारा उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें परस्पर भाईचारा हो, महिलाओं का सम्मान हो, शिक्षा को महत्व दिया जाए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर अजीत जायसवाल नादान, थाना प्रभारी पीसी कोल, सुशील साकेत गोबरी, प्रदीप सूर्यवंशी, एडवोकेट अनिल सूर्यवंशी, जरियारी राघवेंद्र, साकेत सुंदरी उपस्थित रहे। इतना महत्वपूर्ण है जिसकी जानकारी हम सबको निश्चित रूप से होनी चाहिए। संविधान की विशिष्टता इस बात से समझ सकते हैं आप सभी लोग कि 26 नवंबर आज कल का दिन, आज 27 नवंबर जिसके विषय में हम ये आयोजन कर रहे हैं, कुछ चीजें जो आप प्रस्तावना में पढ़ते हैं, अभी थोड़ी देर पहले प्रस्तावना का वाचन हुआ, उसमें संविधान की विशिष्टता छिपी हुई है, संविधान की व्यापकता छिपी हुई है। मूल रूप से यदि संविधान को समझना है तो प्रस्तावना के एक एक शब्द को समझना होगा। इसकी व्यापकता का आशय पूरा संविधान की प्रस्तावना से मिल जाता है। हमारा देश विविधता से भरा हुआ देश है, 29 राज्य। मेहर से खबर समय जगत के लिए प्रकाश सोनी की रिपोर्ट।